हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम बहुत नज़दीक है। जो बच्चे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एसओएल से, जिनके पास इंग्लिश ए है कोर्स में, मैं आज उनका चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूँ, सिस्टर्स। जैसे कि आपको पता है मैं होल कोर्स की सीरीज करा रहा हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं पूरा कोर्स आपका कराऊँगा सभी सब्जेक्टों का। चलिए मैं शुरू करता हूँ, जो कि एक पोएम है सिस्टर्स से, ठीक है। This poem deals with two sisters and their father. ये poem जो है दो लड़कियों की, यानी दो बहनों की और एक उनके पिता की कहानी है। One is senior to the other by almost 5 years. एक जो है बड़ी है दूसरी वाली से 5 साल. It is evident that the younger one will never be able to bridge the gap of catch up with her elder sister. देखिए, ये तो तय है कि छोटी वाली बड़ी वाली को पीछे नहीं छोड़ सकती उम्र के गैप में, ठीक है ना। Do what she like. She tries hard to make good use of her disadvantage by foul means. देखिए, वैसे तो छोटी वाली बहुत चुलबुली, नोटी और शरारती है। वह चाहती है कि बड़ी वाली को पीछे छोड़ दूं उम्र में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसे ये बात का पता है कि वह कभी भी बड़ी वाली बहन को उम्र में पीछे नहीं छोड़ सकती। इस वजह से वो छोटे होने का फायदा उठाती है, ये बता रहे हैं इसमें। शी बिकम जेलस एंड इवन ऑफेंसिव। शी इज बोल्डर, क्लेवर एंड स्वीटर देन हनी। देखिए, वो इतनी बहुत ज़्यादा चलाक है, ठीक है। वो जेलस फील करती है, बड़ी वाली सिस्टर से जेलस फील करती है। शी ट्राइज ऑल ट्रिक्स टू गेट द बेटर ऑफ हर एल्डर वन। वह अपनी बड़ी सिस्टर को हराने की हर मुमकिन कोशिश करती है। शी ओबेज एज वेल एज डिस ओबेज, बिकम स्वीट एज वेल एज बिटर। देखिए, वो हर चीज को यूज करती है। कभी कभी वो बहुत मीठी बन जाती है बातों में, कभी कभी बहुत ज़्यादा वो शरारती बन जाती है या नेगेटिव इफेक्ट देती है। शी शेड्स टीयर्स, क्राइज एंड टर्न हर वे ऑल टुगेदर। वह हमेशा बड़ी वाली के रास्ते में आती है और बड़ी वाली को किसी ना किसी तरह नीचे दिखाने की कोशिश करती है या उससे जेलस फील करती है। तो वो अपने आंसुओं से अपने जो फॉल प्ले होते हैं, मतलब अपने सभी तरह के हथकंडे अपनाकर उसे नीचे दिखाने की या अपने पिताजी के सामने उसे पिटवाने की कोशिश करती रहती है, एक तरह से ये कह रहे हो जो है। द एल्डर वन इज अ लूजर। जो बड़ी वाली है वो लूजर कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर लूजर का मतलब एक लूजर वे यहाँ पर यूज करा गया कि वो बहुत पुअर है, मतलब गरीब, एक तरह से ऐसी है कि इनोसेंट और उसे बिना बात के सजा मिल जाती है, ठीक है। शी रिसेंट्स इनजस्टिस, समटाइम्स शी फाइट बैक फॉर ए फेयर डील। कभी कभी वो लड़ती है अपने अपने आवाज़ उठाती है उनके खिलाफ, अपनी छोटी सिस्टर के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ, क्योंकि पिताजी जो है उसके हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं छोटी वाली को, तो न्याय के लिए कभी कभी आवाज़ उठाती है। शी ब्लेम्स हर फादर फॉर गिविंग अनड्यू फेवर टू द यंगर सिस्टर। वह हमेशा फादर को ब्लेम करती है कि फादर बिना बात के उसका हर चीज़ में उसका साथ देते हैं, जो कि सही नहीं है। एट दिस फादर साइलेंसिस हर डाउन आइदर स्वीट टॉक और विद शाउटिंग। देखिए, कभी कभी तो पिताजी उसकी बात का, जब वो न्याय के लिए आवाज़ उठाती है उनके खिलाफ जाती है, कभी कभी तो वो प्यार से उसकी बात को दबा देते हैं और कभी कभी गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाकर उसकी बात को दबा दिया जाता है। ऑल्दो ही रियलाइज दैट ही वॉज कमिटेड एक्सेस। आगे बढ़ते हैं। शी रिट्रीट्स इन टू साइलेंस अनविलिंग, फादर डीम्स इट हिज विन और विक्ट्री। देखिए, वो जानती है कि फादर जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से, तो वो सही नहीं है क्योंकि वो उसके अपने लिए सही नहीं है, उसको जस्टिस चाहिए। ही रिजॉइस एट हिज टैक्टफुल हैंडलिंग एट द बोल्डनेस ऑफ द गर्ल टू फाइट फॉर जस्टिस। वह चाहती है न्याय पाना, वह चाहती है कि अपनी बड़ी छोटी वाली बहन के साथ बराबर का उसे न्याय मिले, उसके घर में बराबर की उसको रेस्पेक्ट मिले, उसके फादर उसकी फीलिंग्स को भी समझें, उसको भी बराबर का मौका दें हर चीज़ में, उसे भी प्यार दें। लेकिन जो छोटी वाली है उसके प्रति जो है फादर का ज़्यादा झुकाव है, तो इस वजह से फादर उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा, वो इसलिए भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो छोटी है, तो इस वजह से बड़ा जो घर में बड़ा होता है उसका ये, उसको एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट होता है उसके लिए। तो इसी पोएम में यही चीज दिखाई गई है। चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं इस लेसन से। आपको पता ही है कि हर लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को पूरा देखते रहिए, इसी के अंदर से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और साथ के साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको मैं स्टैंजास भी देने वाला हूं इस पोएम से रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंगर सिस्टर नो। देखिए, ये कह रहा है कि छोटी बहन क्या जानती है, ठीक है ना। द यंगर सिस्टर नोज दैट शी कैन नेवर बी एबल टू ओवरटेक और इवन कैच अप हर एल्डर सिस्टर। देखिए,
छोटी बहन जानती है कि वह कभी भी अपनी बड़ी बहन को पीछे छोड़ने या उस तक पहुंचने के योग्य नहीं है, यानी कि उसे कभी भी एज में पीछे नहीं कर सकती, ठीक है ना। इट मेक्स नो डिफरेंस हाउ गुड शी एक्ट और हाउ हार्ड शी चीट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी अच्छी प्रकार से कार्य कर रही है या कार्य करती है या कितने कैसे वो छल कपट करती है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है कि वो छोटी है तो उसका फायदा वो उठा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनहेरिटेंस दैट द ओल्डर डॉटर लिव्स अप टू। देखिए ये कह रहा है कि वह कौन सी विरासत है जो बड़ी बहन को ने पाई है या बड़ी बहन को मिली है। द ओल्डर डॉटर इज टोल्ड टू बी सबमिसिव एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फॉर गिविंग एंड स्वीट टू हर यंगर सिस्टर। देखिए जो बड़ी बहन ने से कहा गया है कि पिता के द्वारा कि वह विनम्र बने और क्षमाशील बने, यानी क्षमा करे अपने छोटी बहन को, माफ करे और मधुरता से उसके साथ व्यवहार करे, अगर वो कोई गलती भी कर दे तो उसे माफ करे, उससे प्यार से रहे उसके साथ। दिस कन्वेंशनल लेसन इज हर इनहेरिटेंस, देखिए यही जो उसकी विरासत है जो उसे मिली है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द एल्डर सिस्टर गेट द टफ एंड ऑफ इट। ये कह रहा है किस प्रकार बड़ी बहन को इसका दंड मिलता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम द एल्डर सिस्टर इज रिब्यूक्ड फॉर द रॉन्ग डन बाय द यंगर सिस्टर। देखिए कभी कभी जो है जो उसकी जो बड़ी बहन है ना छोटी बहन को डांट देती है, अधिकतर समय बड़ी बहन को उसके पिता के द्वारा छोटी बहन के द्वारा की गई गलती को फटकारा जाता है। मतलब अगर छोटी बहन कोई गलती करती है और बड़ी वाली उसको टोकती है तो उसके पिता उसी को उल्टा डांटते थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, हाउ डज, हाँ अब ये देखिए आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाउ डज द फादर डील विद द एल्डर वन, किस तरह से फादर जो है बड़ी सिस्टर से डील करते हैं। देखिए फादर फर्स्ट टॉक स्वीट टू हर एल्डर वन टू टॉलरेट, सॉरी गलत हो गया ये, द फादर फर्स्ट टॉक स्वीट टू हर एल्डर वन टू टॉलरेट द एक्सेस ऑफ और रॉन्ग डन। देखिए सबसे पहले तो जो फादर है वो बड़ी वाली को समझाते हैं प्यार से, कि अगर वो प्यार से मान जाए, जैसे कि अगर वो छोटी वाली गलती कर रही है तो पिता उसे समझाते हैं कि वो प्यार से मान जाए, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होता, पिता उस समय प्रसन्न हो जाते हैं जब उन्होंने उसे पाठ सिखा दिया होता है, उसके बाद वह सोचते हैं। आगे कह रहा है कि बट एट द टाइम्स ही साउट एंड साइलेंस हर व्हेन शी एक्यूज्ड हिम टू टॉकिंग द रॉन्ग साइड। देखिए लेकिन जब वह उनके पिता को बोल देती है बड़ी वाली सिस्टर कि आप छोटी वाली का गलत साइड ले रहे हैं, वह गलत है और आप भी गलत है, तो पिता को गुस्सा आ जाता है और पिता उसके ऊपर चिल्ला देते हैं। ही देन रिग्रेट हिज वर्ड्स सून आफ्टर, कुछ ही समय बाद वह अपने वर्ड्स को वापस लेने के लिए परेशान होते हैं कि मैंने बड़ी वाली सिस्टर को गलत डांट दिया है, शायद मैंने गलत बोल दिया, तो वो अपने वर्ड्स के लिए पछताते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट लेसन डज फादर टीच टू हिज एल्डर डॉटर although unintentionally। देखिए ये कह रहा है कि कौन सा पाठ पिता अपनी पुत्री को यानी बड़ी पुत्री को यद्यपि अनजाने में सिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए फादर फील्स हैप्पी दैट ही हैड मेड हर लर्न अ लेसन, पिता खुश होते हैं कि उन्होंने उसको पाठ सिखा दिया यानी उसे डांट दिया है। although he never did intentionally, लेकिन उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। द लेसन इज हाउ टू ओवरकम हर फादर फ्यूरी बाय द प्रोटेस्टिंग स्ट्रॉन्गली आल्सो बाय हर साइलेंस। देखिए जो पाठ है या जो शिक्षा है इसमें जो दी गई है वो ये है कि किस प्रकार पिता का गुस्से को बिना विरोध के शांति से कम किया जा सके या पिता के गुस्से पे विजय प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आर इमेजिनरी फादर। इमेजिनरी फादर से आप क्या समझते हैं इस जो इस पोएम में जो बोला गया है, तो द वर्ड इमेजिनरी हेयर इज वैक्यू एंड कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला वर्ड है क्योंकि इसमें यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। इट मे मीन अदर रेस्पेक्टेबल एल्डर्स फादर लाइक फिगर्स इन द एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि ये पिता की तरह जो फैमिली में दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े चाचा ताऊ कोई भी कह सकते हैं हम अंकल, तो उनके लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर के कैरेक्टर्स क्या हैं। द यंगर सिस्टर इज बोल्डर क्लेवरर एंड स्वीटर देन हनी। देखिए यंगर सिस्टर बहुत चालाक है,
ठीक है ना, और वह शहद से भी ज्यादा मीठी है, शी ओबेज कमांड एज वेल एज ब्रेक्स रूल, वह नियमों का पालन भी करती है और उन्हें तोड़ती भी है, शी शेड्स क्रोकोडाइल टीयर, और वह मगरमच्छ के आंसू दिखाकर हर चीज से बच जाती है, शी क्राइज एंड टेक्स यू टर्न इजली, वह गलतियां करती हैं, चीजों को बिगाड़ती है और आसानी से यू टर्न ले लेती है, यानी आसानी से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एल्डर सिस्टर रिएक्ट व्हेन स्कोल्डेड बाय हर फादर फॉर द रॉन्ग्स डन बाय द यंगर सिस्टर, देखिए जब छोटी वाली गलती करती है और बड़ी वाली उसको डांटती है या मारती है तो पिता बड़ी वाली को गुस्सा करते हैं, उसे डांटते हैं, तो किस उस समय कैसा रिएक्ट करती है, द एल्डर सिस्टर अनेबल टू ओवरलुक द इनजस्टिस क्रिएट्स अ सीन एंड आर्ग्यू विद हिज फादर, देखिए बड़ी वाली जो है पता है उसे न्याय तो उसे मिलने वाला नहीं है, पिताजी उसको उल्टा ही डांटेंगे, तो वह आर्ग्यू करती है अपने पापा से, अपने पिताजी से, साइडिंग विद अ नॉटी यंगर वन, क्यों वो साइड लेते हैं छोटी वाली की, यंगर वन की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द यंगर सिस्टर मीन बाय बीइंग हैंडीकैप, देखिए यंगर सिस्टर का कहने का क्या तात्पर्य है कि हैंडीकैप वर्ड का जो उसने यूज करा है अपंग का, ठीक है, बाय बीइंग हैंडीकैप द यंगर सिस्टर मीन बीइंग यंगर देन हर एल्डर सिस्टर, उसका कहने का मतलब ये है कि उसकी अपंगता ये है कि वह बड़ी वाली से छोटी है, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टैंजा के रूप में भी आपको मिल सकता है, देखिए हु इज इन द आई इन द पोएम, हु इज इन द आई इन द पोएम, मतलब जो इसमें आई वर्ड यूज हो रहा है ना पोएम में वो कौन है, वट आर द वर्ड एंड फ्रेजिज दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द आई, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या कौन से ऐसे फ्रेजिज हैं जो आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में आई को, देखिए I in the poem is the dad of two sisters, जो I है इस poem में वो दो बहनों का पिता है, his identity become clear, इसकी identity clear होती है following line से, देखिए पहली line है जो जिससे clear होती है, I sweet talk her the way all parents at all times have tried, देखिए ये कह रहा है कि मैं उससे मीठी बात करता हूँ जिस प्रकार की माता पिता ने सभी समयों से प्रयास किया, यानी हमेशा जैसे माता पिता करते हैं, जैसे उन्होंने ओल्ड टाइम्स वो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। सेकंड पॉइंट है आई शाउट हर डाउन, मैं चिल्लाकर उसे चुप कराता हूँ। तीसरा पॉइंट है आई रिजॉइस एट द लेसन नेवर इंटेंटेड बट सो वेल लर्न, देखिये मैं उस पार्ट के लिए खुशी मनाता हूँ जिसे पढ़ाने का इरादा नहीं था मेरा, मतलब फादर कह रहे हैं लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह सिखा दिया, ठीक है ना, डाटा जो था उसको अपनी छोटी सिस्टर के लिए, उसकी छोटी सिस्टर के लिए कि जब वो छोटी सिस्टर जो गलतियां करती है बड़ी सिस्टर उसको डांटती है या मारती है गुस्सा करती है, तो पिता ने बड़ी सिस्टर को समझाया कि तुम मधुर बनो, बड़ी छोटी सिस्टर को परेशान मत करो, तो उस पार्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इसके स्टैंजा की ओर लेके चलता हूँ, मैं आपको दो मेन स्टैंजा देने वाला हूँ जो कि जिसमें से एक पेपर में आपके जरूर आएगा, ठीक है ना, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और जुड़े रहिए वीडियो के साथ। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला स्टैंजा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, वन नॉट क्वाइट टैन बट अहेड ऑफ द अदर यंगर हु फाइव प्लस विल नेवर कैच अप विद द बिग वंस लीड नो मैटर हाउ गुड शी एक्ट और हाउ हार्ड शी चीट, देखिए आपको इस स्टैंजा से पोएम को पहचानना होगा और उससे जुड़े आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, पोएम और पोएट का नाम बताइए, द पोएम इज सिस्टर, देखिए पोएम तो सिस्टर्स है, एंड इट्स कंपोजर इज सलीम पीरादिना, ठीक है सलीम पीरादिना इसके कंपोजर है, और हाउ ओल्ड वेयर द टू सिस्टर्स, देखिए आप उनकी उम्र के बारे में पूछ रहा है, तो एल्डर सिस्टर वॉज लेस देन 10 ईयर ओल्डर वाइल द यंगर वन वॉज अ लिटिल मोर देन 5 ईयर ओल्ड, देखिए लगभग छोटी वाली तो 10 साल के आसपास है और बड़ी वाली जो है उससे 5 साल बड़ी है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंगर वन नोज फॉर सर्टेन, अब क्या जानती है छोटी वाली, द यंगर वन सिस्टर न्यू फॉर सर्टेन दैट शी वुड नेवर बी एबल टू ओवरटेक और इवन कैच अप विद हर दीदी, वह जानती है कि छोटी वाली ये जानती है कि वह कभी भी अपनी बड़ी बहन को ओवरटेक नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ भी नहीं खड़ी हो सकती उम्र के मामले में, यानी एज के मामले में जितनी वह उनकी उम्र में गैप है वो रहेगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टू ऑप्शंस वर देयर टू रजिस्टर हर रिसेंटमेंट, देखिए
उसके पास जो बड़ी वाली बहन है ना, ओ सॉरी छोटी वाली, अपना क्रोध प्रकट करने के लिए उसके पास कौन से दो विकल्प थे, ठीक है ना? द यंगर वन कुड एक्ट गुड और शी माइट चीट हर एल्डर सिस्टर। या तो वह अच्छा व्यवहार कर सकती है या बड़ी वाली के साथ धोखाधड़ी कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट स्टैंजा की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। नेक्स्ट है, बट इवन एज शी रिएक्ट into simmering silence, she stand her ground, knowing me to be unfair. Secretly, I rejoice at the lesson never intended but so well learned, how to overcome father's real and imaginary. देखिए ये stanza 2 है, आप इसको ध्यान में रखना, पहचानना, और ये इससे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि poem कौन सी है, फिर आप उसके question के answer देंगे, ठीक है ना? पहला question जो इस stanza से बन सकता है वो है, who does she refer to? जो इसमें है ना, जो बोल रही है शी, उसको किसको रेफर करा गया है? शी रेफर्स टू स्पीकर एल्डर सिस्टर, जो बड़ी वाली सिस्टर को रेफर करा गया है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, हु साइलेंसेस हर, ठीक है? व्हाई डज शी सिमर स्टिल, ठीक है ना? अब ये कह रहा है, मतलब कहने का ये है कि उसे खामोश कौन कर देता है और वह अंदर ही अंदर क्यों उबलती रहती है? तो फादर शाउट्स हर डाउन विद हिज लाउड वॉइस एंड टेम्पर, जो पिता हैं उसे चुप करा देते हैं अपनी तेज आवाज में। शी कीप साइलेंट, वह चुप हो जाती है, अपने को चुप रखती है, बट इन हर हार्ट ऑफ हर्ट्स शी कीप्स बॉइलिंग विद एंगर, लेकिन दिल ही दिल में वो उबलती रहती है, गुस्सा रहती है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन शी स्टैंड्स हर ग्राउंड, कैसे आपको लगता है, कैसे स्पष्ट होता है, या ये स्पष्ट कीजिए कि वह अपनी बात पर अड़ी रही इस स्टैंजा के थ्रू। देखिए, शी रिफ्यूजेस टू गिव इन, शी डजंट फॉरगिव हर पापा, शी चार्जेस हिम विद प्लेइंग अनफेयर गेम। देखिए, वह अपनी हर हार मानना स्वीकार नहीं करती, ठीक है ना? वह अपने पिता को क्षमा नहीं करती, वह उन पर अनुचित पक्षपात, यानी कि वो जो उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, छोटी का सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, के आरोप लगाती है उसके उनके ऊपर, ठीक है ना, पिता के ऊपर अपने। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स फादर रिजॉइस एट, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिता को किस बात पर प्रसन्नता होती है? देखिए, फादर सीक्रेटली फील्स ग्लैड टू हिज विक्ट्री एट द वे ही मेक्स हर एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, ही ऑल्सो रिजॉइसिस इन वर्डली एट हर बोल्डनेस टू चैलेंज अनफेयर बिहेवियर ऑफ द एल्डर्स। देखिए, पहले तो पिता छोटी वाली की गलती पर, जब बड़ी वाली उनके ऊपर आरोप लगाती है पक्षपात का, तो उसे चुप करा देते हैं डांट कर, और ये खुश होते हैं कि मैंने उसको चुप करा दिया है और उसने मेरी बात मान ली है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी सोचते हैं, इसके लिए भी वे खुश होते हैं कि बड़ी वाली ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है अपने बड़ों के साथ, ठीक है ना? तो उसके ऊपर भी वो खुश हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेसन समझ आ गया होगा, मैंने आपको इसमें पोएम क्वेश्चंस और स्टैंजास भी करा दिए हैं, इससे बार आपका कुछ भी नहीं आएगा। मैं जल्दी आपको अगले लेसन के साथ मिलता हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर होल कोर्स की सीरीज चल रही है, मैं आपके सभी सब्जेक्ट्स कराऊंगा, फर्स्ट ईयर में है जो बच्चे, सेकंड थर्ड ईयर में है, ठीक है ना? चैनल से जुड़े रहिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है और मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।